आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि घर पे वाईफाई इंस्टॉल कैसे करवाएं या वाईफाई सेटअप कैसे करवाएं। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और बिजनेस के पर्पज से अपने घर पे वाईफाई लगवाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप एक यूट्यूबर और क्रिएटर हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, अगर आप क्रिएटर हो तो क्रिएटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास जियो, आइडिया या वोडाफोन ऐसी कोई सिम होगी, और इंडिया में तो आपको भी पता है 1.5 से 2 GB डाटा आपको पर डे का मिलता है। अगर मान लीजिए क्रिएटर को कोई टॉपिक फाइंड करना पड़ता है या कोई टॉपिक रिसर्च करना पड़ता है तो आपको 5 से 6 घंटे आराम से लग जाते हैं एक टॉपिक को फाइंड करने में। अब वहाँ पे उसी के साथ साथ आपका मान लीजिए 1 से या 1.5 GB डाटा तो आपको वहीं पे टॉपिक फाइंड करने में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है द गाइस, वो है कि एक अच्छी क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद जब आपकी अपलोडिंग की बात आती है तो उस टाइम पे भी आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना होता है। इंटरनेट आपके पास होता ही नहीं है। अगर इंटरनेट होता भी है तो इंटरनेट की इतनी अच्छी स्पीड नहीं होती जिससे आप अपनी वीडियो को तुरंत ही अपलोड कर पाओ, और वो आपको घंटों सामना करना पड़ जाता है अपनी वीडियो को, एक वीडियो को अपलोड करने में। और बाय चांस अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया तो हर एक क्रिएटर आपसे कहता है कि अपनी वीडियो को फटाफट से ट्रेंडिंग टॉपिक पे बना के डाल दो जिससे आपके चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आ जाए। लेकिन गाइस, उस टाइम पे आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा स्लो होती है तो आप वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, ऐसे 3 पॉइंट बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने घर पे अगर वाईफाई लगवाने की सोच रहे हो कितना बजट पड़ता है, कितना खर्चा लगता है और इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लगता है, किस हिसाब से आप लगवा सकते हो, किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है और राउटर आपको कौन सा लेना चाहिए, कितने का मिलता है, सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ। गाइस, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वाईफाई लगवाने से पहले या इंस्टॉलेशन करवाने से पहले सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है, आपको भी पता है कि अगर आप एक सिटी एरिया में रहते हो जहाँ पे आपको केबल कनेक्शन प्रोवाइडर होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केबल कनेक्शन ऑपरेटर जो होता है उनके पास जाके आपको उनसे बात करनी है कि मुझे भी फाइबर इंटरनेट चाहिए, मुझे अपने घर पर वाईफाई लगवाना है। अगर ये फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल होती है तो वो आपके घर पर एक वायर ले आएगा और आपके घर पर जाके वो वायर कनेक्शन देने के बाद आप अपने राउटर से सेटअप करोगे एडमिन पेज बना के और उसका आईडी पासवर्ड बना के वो आपको दे देगा और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाओगे। और उसके बाद गाइज वो खुद ही बता देगा कि वो आपसे कितना इंस्टॉलेशन चार्ज लेता है। गाइज, मैंने जब अपने घर पे वाईफाई लगवाया था तो मुझे 500 इंस्टॉलेशन चार्ज लगा था और उसके साथ ये ऑफर मिला था कि इन केस अगर मैं बाय चांस बाद में भी अपना यहाँ पे कनेक्शन लेना चाहूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा कनेक्शन हो जाएगा। बहुत जगह पे होता है कि सिक्योरिटी के तौर पे आपके 500 रुपये या जितना भी रखना होगा वो आपको खुद ही बता देंगे, उतनी पेमेंट वो रखते हैं, और जिस टाइम पे आप अपना कनेक्शन कट करवाते हो तो उस टाइम पे आपकी सिक्योरिटी पेमेंट जो है वो आपको रिटर्न कर दी जाती है। तो इसीलिए 500 रुपये जो मैंने सिक्योरिटी पेमेंट जमा करवाई थी, इन केस अगर मैं कभी भी कनेक्शन कट करवाने के बाद फिर से मैं अपने घर पे कनेक्शन लेता हूँ तो मुझे कोई भी पेमेंट इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये होता है इंस्टॉलेशन चार्ज, ये वाईफाई केबल कनेक्शन के लिए। दूसरा तरीका यह है गाइस कि अगर मान लीजिए आप गांव से बिलोंग करते हो, ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे केबल ऑपरेटर होता ही नहीं है, तो ऐसे में आप एक गूगल मैप की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो नियर बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ऐसे कुछ सर्च कर सकते हो। तो गाइस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप उसके कस्टमर केयर का नंबर आपको मिल जाएगा, आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हो कि आप मेरे सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, वो आपसे आपका नाम, नंबर और आपका एड्रेस ले लेंगे। अगर उनका इंटरनेट की वायर अगर आपके आसपास भी आती होगी, अगर वो सक्षम होंगे तो आपको ऑफकोर्सली आपको जो है इंटरनेट प्रोवाइड करवा देंगे, वो सीधी से एक वायर दे देंगे आपके घर तक और उसके बाद आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। और गाइस मैं तो कहूंगा कि अगर मान लीजिए आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहां पे लाइट की भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो उस टाइम पे थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि फाइबर इंटरनेट जो होता है ना गाइस वो वायर के थ्रू आता है। तो वायर अगर कहीं पे अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई खंभा गड़ा हुआ है और यहां से खंभे में अगर उसका पॉइंट है तो वो आपको आराम से दे देगा, लेकिन अगर वहां पे पॉइंट ही नहीं होगा तो वो आपको नहीं दे पाएगा, तो आपको ये भी जरूर चेक करना है। और तीसरा तरीका यह है गाइस कि अगर आपको आसपास के बारे में नहीं पता कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर कौन है, कहाँ से हमें लेना है, क्या करना है नहीं करना, कहाँ हमारे इधर इंटरनेट अवेलेबल है भी या नहीं है, इसके बारे में अगर आपको पता करना है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि JD जस्ट डायल वालों को आप कॉल कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे एक नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो कि मेरे नियर बाय में जो मेरा लोकेशन है आप अपना एड्रेस बता देना और उसे कह देना कि मुझे इंटरनेट सर्विस चाहिए और मुझे अगल बगल में मेरे आसपास में कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो मुझे उसका नंबर दो या उसकी डिटेल्स दो। तो जस्ट डायल वाले जो हैं आपको उनकी डिटेल्स भी दे देंगे, साथ ही साथ आप उन्हें कह दोगे कि मेरा नंबर उन सर्विस प्रोवाइडर को दे दूं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से खुद कॉल आने लगेगी कि अगर आपको इंटरनेट की जरूरत है तो वो आपको इंटरनेट खुद प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइज ये तीनों तरीका था कि अगर आपको फाइबर इंटरनेट लगवाना है तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपके अगल बगल कौन से हैं इंटरनेट प्रोवाइडर, कैसे हमें लगवाना है, इंस्टॉलेशन चार्ज कैसे लगता है, आपको भी पता है, आप पहले ये सारी टर्म कंडीशन देख लेना। और गाइज आपको राउटर कौन सा लेना चाहिए, तो राउटर तो गाइज उसके साथ भी आपको मिल जाते हैं, बहुतों के साथ मिल जाते हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं
हैं वो भी आपको राउटर प्रोवाइड करते हैं। हालांकि वो आपसे राउटर का चार्ज अलग से लेता है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये ज़्यादा ले लेगा वो आपको राउटर भी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगर आप अलग से राउटर परचेज करना चाहते हो तो वो आपसे ओनली इंटरनेट के ही पैसे लेगा। गाइस जहाँ पे मैं रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ तो गाइस दो प्लान चलते हैं, एक तो 500 वाला चलता है और एक 700 वाला चलता है। 500 वाले में मुझे 50 Mbps की स्पीड मिलती है और 700 वाले में मुझे 100 Mbps की स्पीड मिलती है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये 50 Mbps आपको ऐसे शो करता है, लेकिन जिस टाइम पर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको 10 MB/s पर मिलेगा, जो आपके अपलोडिंग डाउनलोडिंग वगैरह वहाँ पर सारी चीज़ें आप चेक भी कर सकते हो ऐप के थ्रू कि आपको इंटरनेट कैसे मिल रही है, डाउनलोडिंग कितनी मिल रही है और अपलोडिंग कितनी मिल रही है। और साथ ही साथ अगर आपको 100 Mbps में गाइस मुझे 15 से 16 Mbps की स्पीड मिलती है पर सेकंड पे। तो गाइस यही थी कुछ बातें, आप इंटरनेट की स्पीड मेरी साइड में देख ही सकते हो, यही थी कुछ बातें। इसी तरीके से आप अपना इंटरनेट जो है सेटअप करवा सकते हो अपने घर पे। और गाइस मैंने भी एक राउटर परचेज किया था अपने लिए, उसका रिव्यू वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जा भी देख लेना। अगर आपको वो राउटर अच्छा लगता है तो आप उसे भी बाय कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपके घर पे कैसे राउटर इंस्टॉल करवाना है, कैसे इंटरनेट कनेक्शन लेना है और इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह कैसे लगता है, क्या प्लान होता है, सारी कुछ के बारे में आपको पता चल गया होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।